छठ पूजा हो चुकी है शुरू, बस दो तीन दिन और है इसके बाद शुरू, और लगभग तैयारी भी हो चुकी है पूरी। तो चलते हैं नीचे अंदर, आपको दिखाते हैं। पूरा तो बालू बालू है, काफ़ी भीड़ भी अभी यहाँ पे। पूरा तैयारी लगभग हो चुकी है, घाट को भी पूरा तैयार करके बांध दिया गया है ताकि कोई दिक्कत ना आए। और लगभग तीन दिन और बाकी है, दो से तीन दिन। उस साइड भी लगभग तैयार हो चुका है, चेंजिंग रूम वगैरह भी बना दिया गया है, तो कोई प्रॉब्लम होने वाला है नहीं। तो चलते हैं थोड़ा और, आपको दिखाते हैं, फिर मिलेंगे छठ वाले दिन भी, तो आपको दिखाएंगे मस्त वीडियो यहाँ का कैसे होता है छठ, कितना मज़ेदार होता है, सारा चीज़ आपको दिखाएंगे। वैसे गंगा के करीब आने के बाद एक अलग ही माहौल होता है, और छठ के समय का बात ही कुछ और है, वो भी पटना घाट का। कितना लोड होके उस साइड जाते आते रहता है। काफी डीप है यहाँ पे पानी, इस वजह से यहाँ पे लगाया गया है। आप देख रहे होंगे कितना डीप है, कंधे इतना पानी है वहाँ पे। ये लाल कपड़ा के पास खतरा है, इसलिए लाल कपड़ा यहाँ डाला गया है, बाकी सब जगह सही है। पूरा इंतजाम यहाँ पे हो चुका है, और नीचे पता नहीं क्या क्या इंतजाम है, आपको नज़र आ रहा होगा स्टेज वगैरह भी बनाया गया है, शायद कोई कार्यक्रम होने वाला है यहाँ पे छठ के समय में। चलिए आपको करीब से दिखाते हैं, सारा कुर्सी वगैरह भी लगाया गया है, और काफ़ी मस्त सजा दिया गया है। अभी क्या होने वाला है, छठ पूजा घाट के करीब ले चलते हैं आपको। कुछ तो शो होने वाला है, शो उत्सव कुछ है, पता नहीं आज होगा, कल होगा, परसों होगा, पता नहीं कब होगा, लेकिन होगा। और पूरा घाट लगभग हो गया है तैयार, लाइट वगैरह भी यहाँ पे लग चुका है। और यहाँ पे जब भी आओगे तो आपको भीड़ मिलने वाला है, एनी टाइम यहाँ पे कुछ ना कुछ होते रहता है, इस वजह से काफ़ी भीड़ भी रहता है, और काफ़ी मस्त बनाया गया है, कुछ लोग वीडियो भी बना रहे हैं छठ का। यहाँ पे थोड़ा सा समतल सा है, बहुत दूर में बांस घिरा हुआ है, तो यहाँ पे छठ करने में काफ़ी आसानी होगी। गेट नंबर 93 घाट के पास,
कुछ लोग नहा भी रहे हैं, पर यहाँ का घाट थोड़ा सा सही है। और उस साइड बहुत सा चेंजिंग रूम बनाया गया है, कोई दिक्कत होने वाली बात है नहीं यहाँ पे। यहाँ पे कुछ लोग छठ भी मना रहे हैं, मतलब वीडियो वगैरह बना रहे हैं, और फुल तैयारी हो चुकी है। अभी 3 दिन बाकी है छठ में। तो मिलते हैं आपको छठ में।